पंजाब के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक बैसाखी का त्यौहार है, जिसे अप्रैल या मई के पहले दिनों में शक कैलेंडर के अनुसार नए साल के रूप में मनाया जाता है। यह उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में सबसे बड़े फसल त्योहारों में से एक माना जाता है। इस विशेष दिन को सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने वर्ष 1699 में खालसा की स्थापना की थी। इस दिन सिख गुरुद्वारों में जाते हैं और कीर्तन सुनते हैं। धार्मिक संस्कारों और परंपराओं के ख़त्म हो जाने के बाद मीठा सूजी आम जनता को परोसा जाता है। समारोह लंगर या सामुदायिक दोपहर के भोजन के साथ समाप्त होता है। मौक युगल और बैंड धार्मिक धुन बजाते हुए जुलूस का हिस्सा बनते हैं। इस त्यौहार को मकई की कटाई शुरू होने के पहले आराम करने के अंतिम अवसर के रूप में भी चिन्हित किया जाता है। इस दिन लोग आग के आसपास खड़े होकर इस जश्न का उत्सव मनाते हैं।